हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस यूट्यूब चैनल को क्यों देखूं, इसमें ऐसा क्या नया है। तो आप सभी जानते हैं कि पढ़ने और सुनने के मुकाबले देखी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो इस चैनल में मैं आपके लिए क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इमेज और ट्रिक भी लाया हूँ, ताकि आप इजीली याद कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17/9/2018 से शुरू होने वाला है, और ये नोटिस 26/8/2018 को आई थी, 26 अगस्त को आ गई थी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन लाया हूँ साइंस यानी कि विज्ञान के, जो आप इजीली याद कर सकेंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक और इमेज है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़। फ्रेंड्स, आप एक बार सिलेबस देख लीजिए इसका। मैथ में 25 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 25 एंड जनरल अवेयर्स में 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है। हर क्वेश्चन एक नंबर का है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, बी पार्सेक, सी डाइन या डी अर्ग। इसका आंसर है बी पार्सेक। एक बार इमेज देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर दे रखा है, ये पार्सेक, एक पार्सेक सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई है, और सबसे नीचे है 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। लोग सोचते हैं लाइट, लेकिन लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष छोटा है। एक पार्सेक में 3 से ज़्यादा प्रकाश वर्ष होते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बल का व्यंजक या एफ इक्वल टू एम ए किस नियम से मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए है न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम या डी आर्किमिडीज का नियम। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम। एक बार इमेज देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा है न्यूटन सेकेंड लॉ, और नीचे ऊपर नीचे साइड में दिखा भी रखा है एफ इक्वल टू एम ए। एफ होता है फोर्स, एम होता है मास, ए होता है एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। यह है दूसरा नियम न्यूटन का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हवा की शक्ति और गति मापने वाला उपकरण है, कौन सा उपकरण है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए अल्टीमीटर, बी एनीमोमीटर, सी एक्यूमुलेटर और डी बैरोमीटर। तो इसका हमारा आंसर है बी एनीमोमीटर, हवा की शक्ति और गति को नापता है एनीमोमीटर। एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं हम। देखिए एनीमोमीटर इस तरह से होता है, ये बीच में पंखा सा लगा हुआ है, ये घूमता है और हवा की गति को नाप लेता है। एनीमोमीटर कई तरह के होते हैं, ये एक तरह का है उनमें से। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बैरोमीटर की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन है ए रॉबर्ट बुनसन, बी ई टोरिसेली, सी जेसी बोस और डी कार्ल पेंच। और इसका आंसर है हमारा बी ई टोरिसेली। तो एक बार इमेज देख लेते हैं बैरोमीटर की। देखिए बैरोमीटर इस तरह का होता है, और बैरोमीटर एयर प्रेशर या हवा का दाब नापता है। और ये भाई साहब हैं ई टेरिसली, जिन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। इसकी मूछ तो देखिए क्या स्टाइल की मूछ है, वाह भाई वाह, पहले के साइंटिस्ट भी बढ़िया है। कोई नहीं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विभांतर का मात्रक होता है, विभांतर का क्या मात्रक होता है। देखते हैं, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वेबर, सी हेनरी और ऑप्शन डी ओम। इसका आंसर है हमारा ए वोल्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं।
ऑप्शन ए 950 ग्राम, ऑप्शन बी 435 ग्राम, ऑप्शन सी 453 ग्राम और डी 475 ग्राम। इसका आंसर है सी 453 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक पीको का मान क्या होता है? ऑप्शन ए 10^9, बी 10^-12, सी 10^6 और डी 10^-6। और इसका आंसर है हमारा बी 10^-12। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। जिसमें भी ओ की मात्रा आती है, जैसे पीको, माइक्रो, ये सब, इनमें 10^ माइनस में रहेगी, -12, -6, -9, जिसमें भी ओ की मात्रा आती है। और जिसमें भी आ का डंडा आता है, बड़ा आ का, जैसे गीगा, मेगा, तो इसमें पावर जो रहती है वो प्लस की रहती है। तो ये है आपके लिए एक ट्रिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और याद करने में आसानी होगी। अब आते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सबसे कम घनत्व किस धातु का होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पारा, बी फ्लोरीन, सी लिथियम, डी आयरन। तो इसका दोस्तों आंसर है हमारा सी लिथियम। ये सबसे, इसका घनत्व सबसे कम होता है और ये सबसे हल्का धातु भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेडान, बी पोलोनियम, सी सोडियम और डी बोरॉन। और इसका आंसर है हमारा बी पोलोनियम। और इसके समस्थानिक होते हैं हमारे 27 समस्थानिक होते हैं इसके। एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पोलोनियम। इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है और ये नीचे परमाणु भार 208. इतना। कभी कभी इसका परमाणु क्रमांक भी पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टाका या जिसे हम सोल्डर भी बोलते हैं, किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए Al प्लस Mg, बी है हमारा Pb प्लस Sb, सी है Cu प्लस Al और डी है Pb प्लस Sn। और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी Pb प्लस Sn। एक बार हम इसकी इमेज देख लेते हैं, सोल्डर की या टाके की। देखिए, सोल्डर इस तरह का होता है और इसका काम होता है जॉइंट करने में, कहीं तार वगैरह जॉइंट करते हैं इसी की सहायता से। Pb होता है हमारा लेड और Sn होता है हमारा सीसा। नंबर 4 देखते हैं हम। सोडियम धातु का एस्क है, क्या एस्क है? ऑप्शन देखते हैं। ए हेमेटाइड, बी चिली सॉल्ट पीटर, सी जिप्सन और डी सिनेवार। और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम धातु का एस्क है बी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आयरन, बी प्लेटिनियम, सी ऑस्मियम और डी टाइटेनियम। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी ऑस्मियम, ये सबसे भारी धातु है। इमेज देख लेते हैं एक बार इसकी। OS ये सिंबल है इसका, 76 परमाणु क्रमांक है, 190.23 परमाणु भार है। कभी कभी परमाणु क्रमांक पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्ट्रिक अम्ल, डी ऑक्सैलिक अम्ल। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल। इसका आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इमली खट्टी होती है और इमली खाने से हमारे दांत भी खट्टे हो जाते हैं। और इमली हम जब खाते हैं तो ऐसे आवाज़ निकालते हैं, तो इसे टा का साउंड सा आ रहा है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि इमली खाने से, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इस साउंड से, इससे हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम सल्फेट और डी सोडियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें एक ट्रिक बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, कि जैसे घर में कभी कोई मेहमान आता है तो खाना खाने के बाद सामने जाता है, तो हम उसे बाय बाय करके विदा करते हैं।
तो इसी तरह से हम याद रख सकते हैं कि खाना खाया और फिर गए हमने बाय किया, तो खाना खाने से हमारा खाने वाला सोडा और बाय करने से हमारा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है आपके लिए एक ट्रिक। अगला टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। तो देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए लैमार्क, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी मैकुलम। और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी अरस्तु। अगर एक बार हम इमेज देख लेते हैं अरस्तु की, ये हमारे अरस्तु भाई साहब एकदम हीरो की तरह, इन्हें हम जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बॉस इंडिकस, ऑप्शन बी कैनिस फैमिलियस, सी रैक्टस और डी राना टिग्राना। इसका ऑप्शन है हमारा गाय का है बॉस इंडिकस। फ्रेंड्स इसमें एक ट्रिक बताना चाहूँगा, जैसे गाय को इंडिया में माता माना जाता है और घर में माता जो होती हैं मम्मी, वो घर की बॉस होती है, पिता से ज़्यादा घर पर राज जो चलता है मम्मी का चलता है। तो इसी तरह से गाय भी हमारी माता है और माता बॉस होती हैं घर की, उसी तरह से गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। ये है ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए हॉपकिंस, बी बैटिंग, सी ल्यूवेनहॉक और डी रॉबर्ट कोच। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। एक बार हम इसकी इमेज देख लेते हैं, तो देखिए ये है राइट में हमारे वैज्ञानिक जी और लेफ्ट में बैक्टीरिया भाई साहब, और इन भाई साहब को देख के पता ही नहीं चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। पता नहीं यार, उस टाइम या तो नाई नहीं होते थे या उस टाइम का फैशन है। चलो जो ही है बढ़िया ही है। तो राइट वाले हैं हमारे ल्यूवेनहॉक। एलिसा परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एड्स पहचानने के लिए, ऑप्शन बी क्षय रोग की पहचान के लिए, ऑप्शन सी मधुमेह की पहचान के लिए, ऑप्शन डी टाइफाइड की पहचान के लिए। ये बहुत फेमस एलिसा परीक्षण है और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए एड्स पहचानने के लिए। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। इमेज देखते हैं एक बार, एचआईवी एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में लोहे या आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए रिकेटस, बी एनीमिया, सी स्कर्वी या डी अति रक्त स्त्राव। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी एनीमिया। तो एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं, ये देखिए एनीमिया रोग होने से लोहे की कमी से जो होता है उससे फटीक मतलब थकान हो जाती है और कई सारी बीमारियां और होती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, बी कैल्सिफेरॉल, सी टोकोफेरॉल या डी थाइमिन। और इसका आंसर है ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल। इसमें एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जैसा कि आप सभी को पता है कि विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत जो है वो सूरज है, और सूरज की रोशनी से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियाँ हमारी कैल्शियम की बनी होती हैं। तो ये एक ट्रिक है कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल, क्योंकि सूरज की रोशनी से हड्डियाँ मजबूत होती है और हड्डियाँ हमारी कैल्शियम की बनी होती है, विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। अब क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? ऑप्शन ए N5H1, ऑप्शन बी N1H5, सी H1N5 या डी H5N1। और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी H5N1। ये हमारा ब्लड फ्लू का विषाणु है। इमेज देखते हैं एक बार, देखिए इधर H1N1 फ्लू है जो कि आसानी से फैल जाता है, दूसरा H5N1 फ्लू है जो कि स्लोली फैलता है लेकिन बहुत घातक है हमारे लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।